असलम एवरी वन आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जी अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ खैरियत से और जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोटली आउटिंग व्लॉग और यहाँ पर मैं आई हुई थी स्टाइलों के आउटलेट पर उस स्टाइलो पर थी फिफ्टी वन परसेंट ऑफ़ किन किन आर्टिकल्स पे ऑफ थी ये तो मैं अब आगे चल के आपके साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा स्किप नहीं कीजिएगा और थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग भी की थी क्या शॉपिंग की थी वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल दिखा रही हूँ या आप देखते जाइए यहाँ पर थी कुछ सैंडल्स वगैरह थी इसके अलावा फैंसी वेयर थी और कैजुअल वेयर में भी मतलब स्लीपर्स वग़ैरह थी इनमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और इसके अलावा फ़्लैट थी इन पर भी थी काफ़ी अच्छी सेल थी काफ़ी अच्छे आर्टिकल थे वैरायटी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी बट ये के कलर और डिज़ाइन और साइज़ सब में अवेलेबल थे तो ये मैं आपको जो फ्लैट्स शेयर कर रही हूँ फाइव हंड्रेड या सिक्स हंड्रेड की प्राइस में इजीली आपको मिल जाएंगी कुछ जो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी थी मतलब कि थोड़ी सी फैंसी ज़्यादा थी तो वो जो है वो एट हंड्रेड की प्राइस में थी इसके अलावा सैंडल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और उनके प्राइस थे ऑलमोस्ट वन थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड या टवेल्व फिफ्टी के दरम्या में अच्छी वैरायटी अवेलेबल थी और सबसे बड़ी बात है इनके पास इस बार जो स्टॉक था अच्छी कंडीशन में था फ्रेश स्टॉक था कोई भी मतलब जो है वो फॉल्टेड पीसीज वगैरह नहीं थे बहुत अच्छी वैरायटी थी इसके अलावा सैंडल्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफ था फिफ्टी वन परसेंट ऑफ था और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में थे मतलब कि ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी और इसके अलावा टू थाउजेंड रुपीज़ में आपको बहुत अच्छे प्राइस में फैंसी सैंडल्स मिल जाएंगी स्पेशली अगर आपकी शादी होने वाली है या कोई भी फैमिली में ऐसा इवेंट वग़ैरह है और आप इस तरह से फैंसी, फैंसी फुटवेयर देख रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए और इसके अलावा ये देखें फ़ाइव हंड्रेड में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी बट मेरे पास ऑलरेडी जो है वो स्टाइलों की फ़्लैट्स काफ़ी ज़्यादा उनकी कलेक्शन जमा हो गई थी तो फिर इसलिए मैंने बाई नहीं की और इसके अलावा ये जो है वाइट आई थिंक ये भी फाइव हंड्रेड की थी इसके अलावा ये जो थी ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी फोन कलर में थी और इस तरह के जो कलर्स होते हैं मोस्टली ड्रेसेस के साथ आपके चल जाते हैं और ये वन थाउजेंड रुपीज़ के प्राइस में थी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इस बार इनके पास फुटवेयर्स अवेलेबल थे और इसके अलावा ये जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी बहुत ही स्टाइलिश है वन थाउजेंड रुपीज़ में है पॉइंटेड है और इसके साथ है इसकी हील छोटी सी तो इस तरह की जो फुटवेयर्स हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में और बहुत ट्रेंडी लगती हैं देखें डिस्प्ले में भी है टीपिंग शेड में थी और इसी स्टाइल में इनके पास सैंडल्स वगैरह भी अवेलेबल थी इसके अलावा शूज़ में काफ़ी ज़्यादा वैराइटी थी और इन पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ था इसके अलावा बाकी भी कलेक्शन मैं आपको दिखाती जा रही हूँ आप साथ साथ देखते जाइए इसके अलावा ज्वेलरी और हैंडबैग्स वगैरह में भी था वो मैं आगे चल के आप... और किस पर कितना ऑफ़ था वो मैं आगे चल के सब आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ यहाँ पर हफ्सा भी मेरे साथ थी और हम लोग आए हुए थे एक्चुअली मुझे और हफ्सा को लेनी थी अपने कैजुअल वेयर के लिए फ़ुटफेयर तो यहाँ पर हमने कहा कि चले स्टाइलों पर विज़िट कर लेते तो थे और इसके अलावा स्टाइलो पर फिफ्टी वन परसेंट ऑफ़ भी था आपको पता है कि जब भी ऑफ वगैरह होता है तो हम लाजमी आते हैं यहाँ पर हम लोग आ गए थे किड्स के फ्रूटफेयर के सेक्शन में यहाँ पर मुझे हफ्सा की साइज़ की कोई भी अच्छी स्लीपर समझ नहीं आई थी और ना ही मुझे अपने लिए समझ आई यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा एट्रेक्टिव लगी ना किट सेक्शन में यहाँ पे लगी थी क्यूट क्यूट सी सैंडल्स और इसके अलावा स्लीपर जिन पर कार्टून करेक्टर्स बने हुए थे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये देखें कितनी क्यूट लग रही हैं और ये उमर को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी उमर का मूड था कि ये वो बाय करे बट ये है कि ये जो स्लीपर्स होती हैं छोटे बच्चों की ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये ट्रैवल बैग्स वगैरह थे इन पर भी डिस्काउंट वगैरह चल रहा था और जब मैं उम्र पर गई थी तो मैं इन्हीं के ट्रैवल बैग लेकर गई थी इसके अलावा है, हैंड बैग्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ था फिफ्टी वन परसेंट ऑफ़ पर यहाँ पर हैंड बैग थी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स जो के थे जो कि थे एलेवन परसेंट ऑफ़ पर और इनमें काफ़ी ज़्यादा कलर और डिज़ाइन थे जो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रही हूँ आप देखते जाइए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्यूट हैंड लगा था मुझे ये वाला लगा था बहुत ही खूबसूरत मतलब कि अगर आपको इस तरह का आप हैंड बैग लेते हैं तो आपका ये पार्टी वेयर वगैरह में भी चल जाता है और इसके अलावा कैजुअली भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये हैं इनके फैंसी क्लचेज़ वग़ैरह इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी डिफरेंट टाइप के थे यहाँ पर और इन पर भी ऑफ था आई थिंक इन पर एलेवन परसेंट ऑफ़ था इसके अलावा सन ग्लासेज वग़ैरह हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ और यहाँ पर हैं कुछ बैंगल्स वग़ैरह और ब्रेसलेट वगैरह अच्छा स्टाइलो की ज्वेलरी जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है यहाँ पर स्पेशली जो मैंने इनकी बाय की हुई है बैगल्स और ब्रेसलेट्स वगैरह उनकी वॉचेस वगैरह भी यूज़ की हुई है काफ़ी अच्छी हैं अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अच्छा इन पर जो है वो इलेवन परसेंट ऑफ था और कुछ ज्वेलरी आइटम्स थे जिन पर फिफ़्टी वन परसेंट था वो मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ ये जो फ़ोर सेट्स हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे थे बट ये है कि इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे तो मैंने कहा चले इनशाला कभी लूँगी ज़रूर <laughs> तो यहाँ पर जो है ये परफ्यूम्स वगैरह थे आपको पता है समर में मोस्ट इसेंशियल नीड होती है बॉडी मिस्ट और परफ्यूम्स वगैरह की तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सी बॉटल्स होती हैं परफ्यूम की मुझे तो जो है वो कर... परफ्यूम्स की जो अट्रैक्टिव सी बॉटल्स की पैकिंग होती है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है बहुत अट्रैक्ट करती हैं फ्रेगनेंस तो मैंने किसी की चेक नहीं की क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और इसके बाद जो है वो बॉडी मिस्ट वगैरह है मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक और व्लॉग में जो मैंने ऑलरेडी बाई किए हुए हैं तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी यहाँ पर बस हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और उसका बिल वगैरह बनाया दैन उसके बाद मैं आ गई थी फर्स्ट स्टेप क्रॉस करके सर्विस के आउटलेट पर क्योंकि मुझे जो है वो फुटवेयर लेने थे अपने लिए और हफ्ते के लिए जो मुझे स्टाइलों से समझ नहीं आए थे तो फिर मैंने कहा कि चलें यहाँ पर जो है वो सर्विस पे मैं विजिट कर लेती हूँ मे बी यहाँ पर मिल जाए अच्छा फर्स्ट स्टेप का शॉपिंग व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर जो है हम आ गए थे सर्विस के आर्टिकल पर अच्छा मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब अगर आपको किसी भी ब्रांड में फुटवेयर नहीं मिलते तो सर्विस और बाटर पर हमेशा बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी अवेलेबल होती है और यहाँ पर इनकी कुछ न्यू कलेक्शन थी न्यू अराइवल में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है वो किड्स कलेक्शन से रिलेटेड अवेलेबल था और यहाँ पर समर समरवेयर से रिलेटेड देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से कलर थे येलो पिंक पर्पल बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव कलर थे फुटवेयर में और प्राइस जो है वो उनके काफ़ी ज़्यादा हाई लगे मुझे जो फुटवेयर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये मुझे समझ आए थे थोड़े अफोर्डेबल भी लगे मतलब कि ये नाइन हंड्रेड के प्राइस में मुझे मिल गए थे और मैंने हफ्सा से कहा इसमें दो कलर्स अवेलेबल थे ब्लैक भी था और मरून भी था फिर मैंने हफ्सा को बुलाया मैंने कहा कि आप आओ इनको पहनकर ट्राई करो क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो फिर हफ्सा ने जो है ये दोनों ट्राई किए और महरून जो है वो ज़्यादा ख़ूबसूरत लग रहे थे तो फिर हम लोगों ने जो है वो यही वाले सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इनको पैक करवा लिया था हफ् की फ़ाइनल हो गई तो मैंने सोचा कि चले मैं अपने लिए भी फुटफेयर फ़ाइनल कर लेती हूँ ताकि जो है वो काम ख़त्म हो जाए और यहाँ पर जो है बस मैं अपने लिए फ़ाइंड आउट कर रही थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी फ़्लैट्स में थी इसके अलावा हील्स में थी लेटेस्ट कलेक्शन न्यू एवल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक सर्विस पर अवेलेबल था जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ ये देखें आप बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स थे इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स पर जो है वो ऑफ़ भी था बट मुझे चाहिए थे यहाँ पर कैज़ुअल वेयर के लिए और उसी के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली आई थी क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि या तो इस्टाइलों पर समझ आ जाती है या फिर स्टाइलों पर ना भी समझ आए तो सर्विस पर ज़रूर समझ आ जाती है तो इस बार तो मुझे इस टाइलों पर भी कोई कैजुअल वेयर के लिए अच्छा आर्टिकल समझ नहीं आया और ना ही मुझे सर्विस पे समझ आया पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ खैर वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा व्लॉग कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अपना फ़ीडबैक और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अपकमिंग व्लॉग के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़ अल्लाह हाफिज़